ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पंजाब कांग्रेस में उठा सियासी बवंडर अब चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के ऐलान के साथ ही थम चुका है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो अब आलाकमान का पूरा फोकस राजस्थान पर आ गया है। क्या पंजाब का प्रयोग राजस्थान में भी होगा, इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि राजस्थान में भी पंजाब जैसे ही हालात है। आलाकमान काफी समय से मंत्रिमंडल में फेरबदल और सचिन पायलट गुट को सत्ता और संगठन में भागीदारी दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक बदलाव के लिए तैयार नहीं है। इस बीच सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की ओर से किए गए ट्वीट ने नया ट्विस्ट चला दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि आलाकमान की झिड़की के बाद ओएसडी साहब का इस्तीफा तो ले लिया है, लेकिन अब जल्द ही राजस्थान की राजनीति में भी डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। पंजाब के घटनाक्रम का असर राजस्थान कांग्रेस में आने वाले दिनों में सत्ता संगठन में बदलाव में भी पड़ना तय माना जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में गहलोत पायलट खेमों के बीच पावर बैलेंस के हिसाब से बंटवारा जल्द किया जा सकता है। राजस्थान और पंजाब के हालत में जो अंतर है वह मुख्यमंत्री के पास विधायकों की संख्या का है। राजस्थान में अब तक जादुई आंकड़े का नंबर गेम सीएम अशोक गहलोत के पक्ष में है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन कह ही चुके हैं कि सीएम अशोक गहलोत के स्वस्थ होने का इंतजार है। हाल ही में एक पीसी के दौरान अजय माकन ने यह भी कहा था कि अगर सीएम की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो अब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका होता और सारा रोड मैप तैयार है। वहीं दूसरी ओर खुद सीएम गहलोत भी स्वस्थ होने के संकेत दे चुके हैं, तो अब कोई वजह नहीं बनती कि राजस्थान में बदलाव में कोई भी देरी हो। वहीं दूसरी ओर पंजाब में दलित कार्ड खेलते हुए आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर सिद्धू की हसरतों पर तो पानी फेर ही दिया है। इसके साथ ही राजस्थान में भी इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है कि कहीं आलाकमान यहां भी सीएम गहलोत और सचिन पायलट को छोड़ किसी तीसरे नेता को मुख्यमंत्री तो नहीं बना देगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जिस तरह का टकराव और गुटबाजी है, कमोबेश वही टकराव राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जारी है। पॉपुलर लीडर बनाम अनुभवी नेता की जैसे लड़ाई पंजाब में कैप्टन व सिद्धू के बीच है, लगभग वैसी ही राजस्थान में गहलोत व पायलट के बीच है। पंजाब में कैप्टन की मनमानी और हाईकमान की न सुनने से परेशान होकर कांग्रेस ने पहले उनके विरोध के बावजूद सिद्धू को पीसीसी चीफ बनाया और अब उनको सीएम पद से हटाने का अप्रत्यक्ष घटनाक्रम हुआ। इस मामले में राजस्थान में भी पंजाब जैसे ही हालत है। आलाकमान काफी समय से मंत्रिमंडल में फेरबदल और सचिन पायलट गुट को सत्ता व संगठन में भागीदारी दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गहलोत अभी तक बदलाव के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दे, नवजोत सिंह सिद्धू लोकप्रिय है और क्राउड कूलर है, लेकिन अमरिंदर गुट सिद्धू की कांग्रेस में निष्ठा को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा करता आया। कमोबेश ये ही राजस्थान में सचिन पायलट के साथ हो रहा है। अपने समर्थकों को मानेसर ले जाने की गलती करना पायलट को अभी भी भारी पड़ रही है। वहीं माना जा रहा है कि अमरिंदर को हटाने के पीछे की बड़ी वजह एंटी इंकमेंसी और सरकार की रिपीट होने के चांस कम माने जा रहे हैं। यही सवाल राजस्थान में अब सचिन पायलट और उनके समर्थक उठा रहे हैं। गहलोत गुट को आशंका है कि पंजाब में बदलाव के बाद राजस्थान में बदलाव की मांग जोर पकड़ सकती है। पार्टी हाईकमान राजस्थान में भी वैसी ही शक्ति दिखा सकती है, और अगर आलाकमान यहां शक्ति दिखाता है तो सीएम पर किसे बैठाया जाता है ये देखने की बात होगी। बता दे, अगर सीएम अशोक गहलोत और पायलट कैंप की कला का पंजाब फॉर्मूले से हल निकलता है तो राजस्थान में रोचक सियासी समीकरण बनने की पूरी संभावना है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी फॉर्मूला अगर राजस्थान में लागू होता है तो जो नाम सियासी गलियारों में उभर कर सामने आ रहा है वो सीपी जोशी का है, क्योंकि पहले भी वो एक वोट से हारने की वजह से सीएम बनते बनते रह गए थे। हाल ही में विधानसभा में जो शक्ति सीपी जोशी ने दिखाई थी वो क्या इसी का तो संकेत नहीं था। हालांकि पंजाब में कांग्रेस ने 32% दलितों को रिझाने के लिए भी चन्नी का कार्ड खेला है, जबकि राजस्थान में अभी ऐसा कोई हालत नहीं है। वहीं पंजाब के सियासी घटनाक्रम से गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के नए पावर सेंटर बनकर उभरने के संकेत मिल रहे हैं। अजय माकन के साथ हरीश चौधरी को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजने से यह मैसेज गया है कि हरीश चौधरी की दिल्ली पर पकड़ बरकरार है। हरीश चौधरी पंजाब कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पंजाब की सियासत की बारीकी से पकड़ है। हरीश चौधरी को आगे चलकर पंजाब का प्रभारी बनाए जाने की भी चर्चाएं हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।